नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के संत में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं मुख्य गतिविधियों की ओर। हमीरपुर से जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में जिला भाजपा उपाध्यक्ष अनिल कौशल, प्रवक्ता आदर्श कांत एवं जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने बजट एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध करने पर खरी खोटी सुनाई कांग्रेस को। हमीरपुर जिला के बाल मैदान में स्थित पोल पर प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा नहीं लगाए जाने से एनएसयूआई में जिला प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी बाल मैदान में स्थित पोल पर तिरंगा झंडा नहीं लगाए जाने से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छेड़ी मुहिम। एनएसयूआई चंदा इकट्ठा कर उसे प्रशासन को देकर जल्द झंडा लगाने की करेगा मांग। एक फरवरी 2020 को पेश किए गए आम बजट में LIC के IPO लाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम की दोनों शाखाओं के समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों ने संयुक्त आह्वान पर केंद्र सरकार के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार पर देने के लिए शुरू किए गए पल क्लिनिकों में पिछले कुछ महीनों से जरूरी दवाइयां खत्म होने से हमीरपुर व आसपास क्षेत्र से आने वाले मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मरीजों ने केंद्र सरकार से दवाई न मिलने पर पूरी जांच करने की मांग।